टीटी दिसंबर 2019 व जनवरी 2021 पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियोजन को लेकर गांधी मैदान में बैठक की। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर गया के गांधी मैदान में बैठक की गई। बिहार के गया जिले में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर रविवार को एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अनूप कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि वे लोग सरकार से मांग किए हैं कि सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस बैठक में मुख्य रूप से गया जिला के सातवें चरण के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रेम शंकर कुमार, अनूप कुमार, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद सोहेल अकरम, शिव प्रकाश कुमार आदि उपस्थित थे। बीडी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। नाम मोनी है और मैं गया जिले से बिलोंग करती हूँ। यहाँ जो बैठक हुई है ये झूठा आश्वासन नहीं, निश्चित तिथि चाहिए। ये बिहार सरकार हमें ये बोल रही है कि बार बार कह रही है कि ये छठा चरण फिनिश होगी, एंड होगी, उसके बाद ये सातवां चरण निकाला जाएगा। पर लेकिन निश्चित तिथि तो दे दें, एक फिक्स डेट तो दे दें, कब ये कब तक चलेगी ऐसे। और ये एजुकेशन सिस्टम की अगर बात किया जाए, ऐसे ही नहीं कहा गया कि बिहार को पिछड़ा। जब तक आप शिक्षक को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन नहीं अप्लाएंगे, तो फिर ये कब मतलब कैसे होगी, बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ पाएंगे। तो एक शिक्षक की तो ज़रूरत है। तो हम मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द एक डेट निश्चित करें और सातवें चरण को प्राथमिक विज्ञापन के लिए एक तिथि निश्चित करें। जा रहे हैं धरना देने को, बहुत ही जल्द मार्च में। अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोनी कुमारी है, मैं गया जिले से हूँ। ठीक है, क्या कार्यक्रम था जी? कार्यक्रम क्या था बताइए, किस चीज को लेकर आज बैठक किए हैं आप लोग? आज हम लोग सातवां चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के आज बैठक रखे हैं। ये गया जिला का बैठक है सर। हम लोग गया जिला से जितने अभ्यर्थी हैं आज गया जिला के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम लोग संगठित हो, गोलबंद हो, और ये पूरे बिहार में प्रत्येक ज़िले से साथी गोलबंद हो रहे हैं। और हम लोग सातवें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के बहुत जल्द पटना में आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार हम लोग का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ ये झूठा आश्वासन से नहीं काम चलेगा। हम लोग का निश्चित तिथि चाहिए, ताकि हम लोग का एक विश्वास हो सके और हम लोग जल्द से जल्द स्कूल में पहुंच सके। हम लोग ये 3 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं सर। हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, और ये कब तक झेलते रहेंगे सर? ये परेशानी पे परेशानी बढ़ता जा रहा है और सरकार सिर्फ बहाना बना रही है। ये बहाना से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी पटना की धरती पे आंदोलन करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार सर, गया जिला से।